that just because some people came here and attacked, every citizen of that nation is to be blamed. No, but our government, I don't believe that way. सैम पित्रोदा ने मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ रखने की गलती कर दी है। किक बीजेपी पर लगाने की कोशिश हुई, लेकिन गेंद अपने ही पाले में जा गिरी। कैसे ये समझाएंगे, लेकिन पहले सैम पित्रोदा का पूरा बयान सुन लीजिए। Because eight people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. Okay? It's naive to assume that just because some people came here and attacked, every citizen of that nation is to be blamed. No, but our government, I don't believe that way. सैम पित्रोदा का ये बयान सामने आते ही बीजेपी की बाछें खिल गईं। पित्रोदा की आड़ में कांग्रेस पर प्रहार होने लगे। सबसे बड़ा हमला प्रधानमंत्री की तरफ से ही हुआ। पीएम का हमलावर ट्वीट आया। गांधी परिवार के सबसे बड़े विश्वासपात्र सलाहकार ने भारतीय सेना को गलत ठहराने की कोशिश की है, जो बेहद शर्मनाक है। मैं अपने देश के नागरिकों से अपील करता हूँ कि विपक्षी नेताओं के बयान पर आप उनसे सवाल पूछें। उन्हें बताइए कि विपक्ष की बयानबाजियों के लिए 130 करोड़ भारतीय ना तो उन्हें भूलेंगे और ना ही उन्हें माफ करेंगे, कि कांग्रेस आतंक के खिलाफ पुख्ता कदम उठाना नहीं चाहती थी। कांग्रेस के दरबारियों ने देश को ये बात एक बार फिर से बता दी है। सैम पित्रोदा का बयान आते ही ट्विटर पर हमलों की बाढ़ आ गई। मोदी के मंत्री मोर्चे पर उतर आए। जो लोग इस देश को समझते नहीं है, इस देश की सुरक्षा को नहीं समझते, इस देश के सेंटिमेंट और जज्बात को नहीं समझते, केवल वही इस प्रकार का बयान दे सकते हैं। भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ 26/11 को शुरू नहीं हुई थी। हम उससे कई पहले टेररिज्म के विक्टिम बन चुके थे। सैम पित्रोदा पर हमले का सीधा निशाना राहुल गांधी बने। सैम पित्रोदा राहुल गांधी के करीबी हैं। विदेशों में राहुल गांधी के प्रचार प्लान के पीछे पित्रोदा का ही हाथ रहा है। कांग्रेस चाहकर भी पित्रोदा से पीछा नहीं छुड़ा सकती। देखिए, मैंने तो खाली सिंपली एज पार्ट ऑफ ए लॉन्गर इंटरव्यू आस्क ए क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछा मैंने। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा क्या तूफान हो गया है। आई एम शॉक्ड। पित्रोदा, कांग्रेस पार्टी सब के सब डैमेज कंट्रोल में लगे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस के नेता इतने लापरवाह हैं कि उन्हें क्या और कब बोलना चाहिए, इसकी भी उन्हें समझ नहीं रहती। क्या कांग्रेस सेल्फ गोल से ही मोदी सरकार बनाने पर तुली हुई है?